अब हम इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड नंबर पॉइंट देखते हैं, वो क्या करता है कंडीशन। सो कंडीशन नंबर 2 सेज, कंडीशन नंबर 2 क्या बोल रहा है उसे हम लिखते हैं, व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 4 लाख। तो कंडीशन नंबर 2 है व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 4 लाख, व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 4 लाख। तो पहला जो हमारा कंडीशन था व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन, जब हमारा मार्केट वैल्यू नहीं गिवन था तो हम सेम वैल्यू को अज्यूम करके चले थे, और इस क्वेश्चन में बोला है कि व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 4 लाख। अब मार्केट वैल्यू इसका क्या है, 4 लाख है। सो अगेन द सेम कंडीशन जो हमारा कंडीशन नंबर 1 था वही सेम जनरेटरी हमारा रिपीट होगा। तो समझने वाली बात क्या है कि यहां जो हमारा कॉस्ट वैल्यू 4 लाख गिवन है और वो किसके इक्वल है, इक्वल टू मार्केट वैल्यू, सो देयर इज नो चेंजेस। तो यहाँ भी सेम कंडीशन, जो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उस अमाउंट को हम ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो अगेन वी आर हैविंग द सेम जर्नल एंट्री, दैट इज कंडीशन नंबर जो 2 होगा उसमें हमारा सेम जर्नल एंट्री होगा। और क्या जर्नल एंट्री होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट दैट इज 60,000 टू नितिन कैपिटल अकाउंट, टू तरुण कैपिटल अकाउंट, टू अमर कैपिटल अकाउंट, एंड द अमाउंट विल बी सेम दैट इज 20,000। सो जो हमारा 2 कंडीशन हो गया, पहला कंडीशन और सेकंड कंडीशन, दोनों के जो जनरल एंट्रीज होंगे वो सेम होंगे। ओके, सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द थर्ड कंडीशन, एंड द थर्ड कंडीशन सेज व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 4,24,000, व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 4,24,000, इट मींस जो हमारा थर्ड कंडीशन है। अब इस थर्ड कंडीशन में क्या होता है कि जो मार्केट वैल्यू है वो इंक्रीज करता है, और कितने से इंक्रीज कर जाता है, 24,000 से इंक्रीज कर जाता है। कंडीशन नंबर 3 सेज when its market value is 4,24,000, it means earlier the value of investment was 4 lakh, now its market value is 4,24,000, so there is an increase in the value of assets. jab increase in the value of assets ho gaya, it means there is a profit. ye kaun sa condition ho gaya, condition of profit. so wo ab hum journal entry karenge, baki sab sari informations wahi hai, kya informations given hai, hamare wahi 3 partner hai, partner ka naam yahan to clear likhte hain, Nitin, Tarun and अमर, वही 3 पार्टनर है। सॉरी, बस हमारा क्या हो जाएगा, जर्नल एंट्री का थोड़ा सा बदल जाएगा। तो हमारा कंडीशन नंबर ये अब हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, कंडीशन नंबर हम 3 सॉल्व कर रहे हैं, कंडीशन नंबर 3। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, इसे इरेज करते हैं सिंपली। ये जो कंडीशन है वो प्रॉफिट का कंडीशन है, तो उसे हम देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ भी कंडीशन है कि जो 60,000 जो हमने रिजर्व रखा था उसका कोई यूटिलाइज नहीं हुआ, क्यों, बिकॉज देर इज अ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस 60,000, ये जो 60,000 है, ये 60,000 को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स लोग को ओल्ड रेशियो में पहले हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो जनरल एंट्री इसका हो जाएगा, जनरल एंट्री विल बी थर्ड नंबर कंडीशन का जनरल एंट्री फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन भी आप ऐसे बना सकते हैं, नो डाउट। सो डेट की बात है तो डेट हमारा 1st of April 2019 है, सो 1st April 2019 एज द डेट सेज, इसी डेट को हम सारे चेंजेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम क्या लिख देंगे, इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट दैट विल बी 60,000 टू कौन कौन पार्टनर है, दैट इज नितिन कैपिटल अकाउंट, टू तरुण कैपिटल अकाउंट, एंड टू अमर्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट सेम हो जाएगा, 20,000 20,000 और 20,000 जाएगा। नरेशन हम सेम लिखेंगे जो इससे पहले वाले नरेशन थे, बीइंग इन्वेस्टेड प्रोफेशन रिजर्व क्रिएटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नाउ अब क्या है कि हमारा जो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स हुआ है दैट इज बाय 24,000, 24,000 से हमारा इन्वेस्टमेंट क्या हो गया है,
इंक्रीज हो गया। सो जस्ट रिकॉल क्लास 11th में हमने पढ़ा था, जब जर्नल एंट्री हम पढ़ रहे थे कि इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स जब होते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो हमारा अगला जो जर्नल एंट्री हो जाएगा दैट विल बी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितने से 24,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा दैट विल बी 24,000। क्यों? बिकॉज रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट कहता है कि प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये हमारा इन्वेस्टमेंट का क्या हो गया, वैल्यू इंक्रीज कर दिया। अब यहाँ पे हमारा जो इन्वेस्टमेंट का इंक्रीज हुआ है तो ये प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट को तो हमने शो कर दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट में। नाउ ये जो प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट किनको मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा, किस रेशियो मिलेगा, ओल्ड रेशियो मिलेगा। सो जो हमारा इन्वेस्टमेंट का ये सेम डेट हो जाएगा। अब यही जो हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ क्रेडिट है तो इसके इफेक्ट को जीरो करने के लिए हम इसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो हमारा अगला जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट दैट विल बी 24,000। यहाँ क्रेडिट है, यहाँ डेबिट हुआ, इसके इफेक्ट खत्म हो गए। अब ये प्रॉफिट किसको मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा, टू पार्टनर नितिन जो है नितिन्स कैपिटल अकाउंट, टू तरुण्स कैपिटल अकाउंट एंड टू अमर्स कैपिटल अकाउंट। ये 24,000 जो प्रॉफिट है ये इक्वली सब पार्टनर्स को मिलेंगे, दैट विल बी 24,000 × 1/3 प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर फुल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो ये है हमारा एक जर्नल एंट्री करने का तरीका। यहाँ पे क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज जो हमारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू था दैट वाज 4 लाख कॉस्ट था उसका। नाउ एट द टाइम ऑफ द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म उसकी वैल्यू 24,000 से बढ़ गया। सो जब वो 24,000 से उसका वैल्यू बढ़ गया इट मीन्स देर इज अ प्रॉफिट। तो सबसे पहले जो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था उस रिजर्व को हमने क्या किया, पार्टनर्स लोग को बांट दिया, बिकॉज अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। सो दैट्स व्हाई हमने इस रिजर्व को क्या किया, पार्टनर्स लोग में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दैट इज ओल्ड रेशियो 20-20-20 जो कि हमारा करते आ रहे थे। नाउ देयर इज अ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय 24,000। सो ये जो 24,000 से जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ा देयर इज अ प्रॉफिट। सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 24,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट दैट इज 24,000। अब ये जो प्रॉफिट हुआ है ये प्रॉफिट पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, यहां पे क्रेडिट था तो यहां हमने डेबिट कर दिया, रिवैल्यूएशन को जीरो कर दिए बैलेंस। नाउ टू नितिन्स कैपिटल अकाउंट, टू तरुण्स कैपिटल अकाउंट एंड टू अमर्स कैपिटल अकाउंट, ये जो प्रॉफिट 24,000 हुआ था पार्टनर्स लोग को ओल्ड रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एंड ओल्ड रेशियो इज इक्वली दैट इज 1:1। सो दैट्स व्हाई 24,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3 दैट विल बी 8,000। सो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व आवर क्वेश्चन। You can just take the screenshot or just pause it and note down in your notebook.